भाई अभी दर्शन तो कर लिए, अब लड्डू लेने जा रहे हैं। लड्डू लाएंगे और प्रसाद खाएंगे। जय बालाजी गोविंद। भाई ये लड्डू यहाँ के जो प्रसाद में मिलते हैं सब भगवान के साथ। गोविंदा गोविंदा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं एक सरप्राइजिंग जगह, आपको बताएंगे। व्लॉग में बने रहिएगा। हमारे गणेश जी महाराज, उनको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट छोरी पप्पा अर्जेंटली बुला हुआ है तो जाना पड़ेगा। ये हमारा दगड़ू सेठ, हे श्री गणेश। थोड़ा सा सामान पैक करना है, केप भी ले आया हूँ मैं, इसलिए लग रही है। आज भैया को लेना आया, विराज भैया रेडी होगा चलने को। अरे तुम रेडी हो कि नहीं, ब्लॉग बन रहा अपना। चले ये नमो नारायण। इनको छोड़ दिया भैया, काम पे ध्यान लगाना, ठीक है ना। बिल्कुल रेडी है गाइस। 4 बजे अभी जाएंगे भोपाल, सुबह 5 बजे की ट्रेन। चल गए 5:30 बजे की बस भोपाल से, अब भोपाल जाएगी अली बस। विराज भैया श्री तिरुपति बालाजी महाराज, 5:30 बजे सुबह 5 बजे की ट्रेन है। अभी बाहर दिन के 5 बजे पहुंच जाएंगे टाइम से भोपाल से। ट्रेन है गाइस, अभी देवास पहुंच गए। हमारे माँ चामुंडा माता का दरबार, यहीं से दर्शन कर लीजिए। जय हो महारानी माँ कृपा करना। और अभी बजे टाइम कितना हो गया है, 9:30 हो गए। 9 बजे तक हम भोपाल पहुंच जाएंगे और सुबह 5 बजे की ट्रेन। तो गाइस जब तक हम रेलवे स्टेशन पर रहेंगे और वहीं पर रहेंगे। विराज भैया खार व्यंजन लेके आ गए ब्लॉग में। ठीक है, और कुछ तो नहीं है भैया ने रखी है अपने बच्चों के लिए टापी। तो विराज भैया, हाँ दादा, खाओ पियो यस करो, पूरा ही लोड भरा सामान, खार व्यंजन ये वो सारी चीजें। टाइम पास करते करते भाई विराज भैया, और अब फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज। गाइस मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गया यार, 4 घंटे से टाइम पास कर रहे थे और मैं वीडियो बनाना भूल गया। क्या हो गया भाई, सुबह के 5 बज गए और अभी तक हम सोए नहीं 1 मिनट भी। ये S1 पर ट्रेन आने वाली है। विराज भैया नींद आ रही है क्या? नहीं बिल्कुल ना। बढ़िया चक्का 12 बजे से गाइस स्टेशन पे बैठे और फाइनली अभी हमारी ट्रेन आ गई है। ऐसी आराम दे दिया। अरे अरे दो दो लाग रही है ट्रेन में, पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, आप देखो जल्दी जल्दी भैया एक उठा लेना अपना, छोड़ तो नहीं देंगे। ट्रेन चल पड़ी है अब यहाँ से, 24 घंटे का सफ़र। सो बने रहिएगा व्लॉग में गाइस। सोने 5:30 बजे सुबह से सोएंगे, 5 मिनट भी हमें बिलजापुर नागपुर के आगे चल रही ट्रेन, रात में सो गए थे आगे चल रहे आ रहे हैं। ट्रेन में डाले सीमो परमल फुल लोडेड। विराज भैया शहर में पंगर इंदौर के लोग जा रहे हैं, सीमो परमल जरूर खाएंगे खार मंजन में। तो विराज ये
अभी होगा ये करीब 24 घंटे से ऊपर होगा हमें सफ़र करते हुए। अभी भी 700 किलोमीटर बाकी है, सुबह 4:30 बजे ट्रेन पहुँचाएगी। अब जा रहे हैं सोने, सुबह जैसे पहुँचेंगे आपको बताएंगे ब्लॉग में। थोड़ी देर वो 5 मिनट बाद जाएंगे अपन। स्टेशन आ गया है, सुबह भी हो गई है दोस्तों, और आधा घंटा लगेगा अभी। विराज भैया चाय की चुस्की के साथ गुड मॉर्निंग बोलते हुए किच्ची बुड़ी। अभी आधा घंटा और लगेगा। दिखेगा नहीं यार। फाइनली पहुंच गए हम तिरुमला, तिरुपति बालाजी सरकार। जय हो तिरुपति बालाजी वेंकटेश प्रभु। अरे खुला रहता है। पद्मावती टेंपल भगवान जी की वाइफ का टेंपल है, तो यहाँ पर हम विजिट करेंगे। ये रूम में थोड़ा सा हमें मिल गया थोड़ी बहुत देर के लिए, बट यहाँ से हम फ्रेश होके नहा के फिर जाएंगे हम टेंपल। तो मिलते हैं, व्लॉग में बने रहिएगा गाइस। गाइस तिरुपति की गलियों में विराज भैया, शहर में बहुत ही साफ लग रहा है, इंदौर जैसा साफ लग रहा है। यहाँ पर साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है। अभी पद्मावती माता मंदिर के दर्शन कर लिए है। गोविंदा। ओ गाइस ये है पद्मावती माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर। देख और साथ तक सुन रहा कि साउथ के मंदिर बहुत अच्छे है भाई, सही में आकर अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा गाइस। ये है माता जी का मंदिर, बहुत ही शानदार दर्शन हुआ गाइस, बहुत ही सुंदर। ये माँ भगवती मंदिर का तालाब, वहाँ पे नहाने का स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ बीच में मंदिर है, नदी के बीच में दिख रहा होगा, पूरा सोने का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है गाइस। पद्मावती मंदिर से निकल गए, जा रहे तिरुपति, वहाँ से वापस जाएंगे तिरुमला ऊपर की साइड। वो बने रहिएगा ब्लॉग में। विराज भैया भी मिलो गए। जय हो तिरुपति बालाजी। गोविंदा गोविंदा। दोस्तों आपको ये पहाड़ दिख रहा होगा पीछे, माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु भगवान स्वयं लेटे हुए इस पहाड़ के नीचे, तो आगे से बताऊंगा पूरा। बस खड़ी हुई है, बैग चेक हो रहे सबको, दर्द ऊपर जा रहे हम तिरुमला। ऊपर तो आ गया, धर्मशाला के लिए अटक रहे भाई, रूम मिल जाओ बस। विराज भैया रूम मिलवा दो यार,
बहुत भीड़ है गाइस, चलो देखते मिलता है कि नहीं। खाना खाना है इंदौर के खाने में और यहाँ के खाने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इंदौर के खाने के लवर हो तो फिर यहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, क्यों विराज भैया? यस ब्रो, इधर ऐसे खाते हैं केले के पत्ते में देव सूत के प्याज तो कतरन। चलो सीताराम, लाइन लगी हुई है, विराज क्या परेशान हो रहे हैं। कितने नंबर बचे है? कितने नंबर बचे है? 35 में से 35 अपना नंबर है। होटल के नंबर के लिए लाइन लगाना पड़ती है भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। विराज क्या अच्छी लगेगा स्क्रीन के सामने खड़े एकदम। अभी तक भाई हमारा होटल नहीं है, सुबह से घूम रहे सही। बहुत परेशानी हो रही, कुछ सूझ नहीं पड़ रही। फर्स्ट टाइम है मेरा, तो विराज भी आया साथ में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, वो पहले आए हुए हैं बट उनको भी थोड़ा सा परेशान होना पड़ रहा है। टाटा सुमो साउथ में आया, टाटा सुमो ने देखी तो क्या देखी, और गाइस बहुत परेशान होना पड़ रहा है। 3 बज गए, अभी तक होटल कन्फर्म नहीं हुआ, अब हुआ जाके और अब ढूंढना है। अब जाके सामान रखेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर मंदिर घूमने निकलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। अभी तक नशे की हमारा 455 ए है, अब इसमें देखो कितने रूम, ई ए बी सी डी सी सारी चीज़ें भाई। आज ए बी सी डी का सही मायने पता चल गया यहाँ पे आके, अभी अपना सामान रखा है। फाइनली हमको रूम मिल गया है, ये है रूम, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी बस बाहर वालों को परेशानी होगी, पर सुविधा सारी है भाई। पर थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को, अगर आप हिंदी में बात करते हो तो थोड़ी बात करते हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ मिसकम्युनिकेशन है हिंदी समझने का, और बस इसी कारण। ए बच्चे मंदिर बाकी के घूमने जा रहे हैं दर्शन में। वो अभी 6 मंदिर विजिट करेंगे हम, 6 बजे तक का टाइम है, 3:30 बज गए और अब भी देखते कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। पाप विनाशम टेम्पल यहाँ से देखते हो रहे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस पाप विनाशम मंदिर के पानी में नहाने से यहाँ पर अपने सारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए सारे लोग नहा रहे, ऊपर पानी आ रहा है और सभी लोग यहाँ पर नहाते हैं और मैं भी नहाया। पाप विनाशम टेम्पल और ये गंगा देवी माता जी का मंदिर। जा रहे आकाश गंगा टेम्पल, वो नीचे की ओर है। ये हमारे बोस से सियाराम भगवान का जल अभिषेक करते थे, उन तो बहुत दूर से जल लेने आते थे, तो उनके लिए भगवान ने स्वयं आके तीर मारा था। यहाँ इसको आकाश गंगा कहते हैं, यहाँ से पानी निकले नीचे तक। तो गाइस अभी हम आ गए जक्का विमान, अभी कितना किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर चल चुके गाइस, अभी तक मंदिर नहीं आया, वो भी और आगे यहाँ से। और हनुमान जी का मंदिर है, तो उसकी एक विशेषता कि हनुमान जी का मंदिर कभी भी नॉर्मल जगह बहुत कम रहते हैं, कभी भी उनके जो प्राचीन मंदिर है वो यहाँ पर पहाड़ों में रहते हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, कि अपने घोष की बात ही अलग है। श्री राम और जंगलों के बीच में, इधर भी जंगल और इधर भी घना जंगल है। खाई खाई खाई, अभी राज भैया तो थक गए। गोविंदा गोविंदा पाली टेम्पल, जहाँ भगवान हनुमान जी महाराज की स्वयं भू मूर्ति है देखते हैं, और विराज भी तोड़ लगा के जा रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है, 6 बजे तक हमको पहुँचना है। अभी 3 टेम्पल और बाकी है इसको मिला के, तो देखते क्या होता है। हनुमान टेम्पल आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि स्वयं भू मूर्ति लिख ली थी हनुमान जी महाराज की, अंदर से फोटो वीडियो नहीं ले सका क्योंकि अलाउड नहीं था। स्वामी अन्नामलाई जी का मंदिर, स्वामी वेणुगोपाल राव जी का मंदिर, अंदर का वीडियो नहीं बना सकता गाइस, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है।
और ये अपने बॉस जय श्री राम। बस इसको और वहाँ से अभी रात का खाना खा लिया है, अब जाएंगे वापस रूम पे सोने। इराज भैया हम जा रहे सोने, सुबह हो जाएंगे गंजे बाल देंगे यहाँ पर। इराज भैया तैयार हो? सुबह कितनी बजे नंबर अपना? 1 बजे का टाइमिंग है गाइस, 1 बजे का टाइम है। उसके पहले हम बाल देने जाएंगे, फिर बाद में दर्शन करने जाएंगे। दर्शन में कितना टाइम लगता है कुछ कह नहीं सकते, 5-6 घंटे तो लगेंगे ही। चलो देखते हैं फिर क्या होता आगे। दोस्तों सुबह हो गई है 9 बजे, अब मैं बाल देने जा रहे हैं। हम दोनों दोस्त राज भैया तैयार हो? बाल बन जाएंगे तो भगवान के लिए दे देंगे। राइट नाउ राइट ये चलो पूरा हम गंजा करवाने जा रहे हैं। चलो हो रही है बाल लेके यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं। इस पहचान में आ रहा है कि नहीं हम लोग? विराज भैया देखो इधर, गोविंदा गोविंदा एक लोग आ गए फाइनली गाइस। बाल का वजन लग रहा था, अब तो भगवान को समर्पित कर दिए है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब भगवान हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करे, हर साल 1.5 साल में आते रहेंगे फिर तो। गोविंदा गोविंदा पहचान में आ रहे कि नहीं विराज भैया? रूम पे आ रहे हैं, यहाँ से नहाएंगे और 1 बजे का हमारा सर्वेक्षण पास का नंबर है, तो फटाफट से रेडी होकर जाते हैं रूम पर और फिर तैयार होकर लग जाते हैं लाइन में, क्योंकि हाँ से 5-6 घंटे लगेंगे। और चलो फटाफट, चाबी कहाँ गई यार? ये वाइट शर्ट और ये पूरा धोती और इसके ऊपर का गमछा, पूरा साउथ इंडियन ड्रेस लगेगा गाइस, बहुत ही सुंदर है। नाल होके हो गए रेडी, कैसा लग रहा हूँ मैं? और जा रहे हमारा 1 बजे का दर्शन, टिकट है थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो ठीक है, तो 1 बजे का दर्शन टिकट है, दर्शन करेंगे भगवान के। अब देखते 11 बज गए, 5 घंटे का नंबर आता है जहाँ तक मुझे पता है दर्शन टिकट से भी, पर देखते कितना टाइम लगता है। गोविंदा वो जा रहे गाइस दर्शन करने, भगवान गोविंद आगे, देखते कितने नंबर में आता है। विराज भाई ब्लॉग बना रहे और मैं कैसा लग रहा हूँ, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, पूरा ही लुक चेंज हो गया मेरे को, तो मैं ही पहचान में नहीं आ रहा हूँ, आप कैसे पहचान हो गया? पर अच्छा है जो भी है, भगवान की कृपा बनी रहे बस सब पर। गोविंदा स्टॉप वहाँ पर सब भगवान के साथ फोटो लेते हैं, वहाँ पर फोटो लेते हैं सब भगवान के साथ। गोविंदा गोविंदा हम जा रहे दर्शन करने, अब हमारा मोबाइल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब रख लेंगे यहाँ पे मोबाइल, तो आगे का वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बाकी दर्शन करने के आज का वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा। गोविंदा ये देखिए मंदिर, उसके पीछे जो सोने का छत्र देख रहे हैं आप, वो है वहाँ पर तिरुपति बालाजी भगवान विराजे। जय वेंकटेश्वराय नमः नमः। एक मिनट भगवान की रथ यात्रा का व्रत, इसमें निकलते हैं तिरुपति भगवान दर्शन करने, नगर भ्रमण करने। जय बालाजी महाराज, बहुत ही सुंदर। श्री मातोश्री अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स में आए, यहाँ पर हमको खाना मिलेगा, देखते हैं कैसा खाना है, बहुत भूखे सुबह से। यहाँ लोग 60,000 से 11,000 रोज भोजन करते हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग रोज यहाँ पर खाना खाते हैं फ्री में बिल्कुल। गोविंदा महाराज अभी दर्शन तो कर लिए, लड्डू लेने जा रहे हैं,
लड्डू लाएंगे और प्रसाद खाएंगे। जय बालाजी गोविंदा। कभी उस गाइस देखे बहुत ही बालाजी गोविंदा। अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर आरती हुई थी, पहले तो सवारी भी निकली थी किसी चीज की, हम देख नहीं पाए। ये दर्शन देखिए गाइस गोविंदा। प्रसाद ले लिया गाइस, जो सारे लड्डू ले लिए, भगवान का प्रसाद सबको बटेगा गोविंदा। गाइस दर्शन करके आ गए थे, थोड़ी देर आराम करा, सुबह 5 बजे की ट्रेन है तो निकलेंगे यहाँ से। कैसा लग रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा, पर भगवान के लिए सब कुछ गोविंदा। तो दोस्तों अभी बजे रात के 3:30 और हमारा ट्रेन का समय है सुबह 5:30 बजे का, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि 30 किलोमीटर नीचे भी जाना है। तो जाने का मन तो नहीं कर रहा भगवान के पास से, पर क्या करे, जाना पड़ेगा। तो गाइस चाहते इसी के साथ यहाँ से विदा लेते, भगवान वेंकटेश्वर की आप सभी पर और मुझ पर कृपा बनी रहे, भगवान बार बार बुलाते रहे, यही चाहता हूँ मैं। जय श्री गोविंदा, नमो वेंकटेश्वराय नमो नमः, गोविंदा गोविंदा।